हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जी हाँ, आज आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है, और क्योंकि मैं इसे इस टाइम यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आप में से बहुत से लोगों ने देखा है कि मैंने भी इधर विद फेस्टिवल शादियों की वजह से वेट गेन किया है, जिसकी वजह से मुझे भी वेट लॉस करने की जरूरत पड़ रही है। और मैंने उसमें ऐसी क्या चीज़ ऐड की है जिसकी वजह से वेट रिड्यूस भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है। मोस्टली क्या होता है, लोग कहते हैं कि जब मुझसे डाइट प्लान लेते हैं कि सुगम हमें कुछ ऐसा बताइए जिसमें रोटी आप ना ऐड करें, सॉरी रोटी ऐड करें, क्योंकि रोटी एक ऐसा भ्रम है हम सबके दिमाग का कि हम जब तक रोटी नहीं खाएंगे हमारा पेट नहीं भरेगा। तो जी हाँ, जो मैं लोगों को रोटियां सजेस्ट करती हूँ, और अब वो रोटी आप 3 से 4 भी खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पेट भर के खा सकते हैं। और मैंने भी फिलहाल अभी रिसेंटली इन रोटियों को स्टार्ट किया है अपनी डाइट में। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इसका आया है, वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। और सबसे बड़ी बात होता है कि आप वेट रिड्यूस के प्रोसेस में आ जाइए, और मैं वेट रिड्यूस के प्रोसेस में आ चुकी हूँ। तो वो रोटी कौन सी है, और फ्रेंड्स यकीन मानिए कि ये आपको बिल्कुल भी कमजोरी नहीं देगी बिकॉज फुल ऑफ विटामिन्स एंड फुल ऑफ मिनरल्स है। तो वेट लॉस बहुत अच्छा करेगी, और पेट भी आप बिल्कुल फुल होके खा सकते हैं। और उस रोटी के साथ क्या खाना है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ऑप्शंस दूंगी। तो रोटी सब्जी एक ऐसा ऑप्शन है जो आप अपने ऑफिस में भी लेके जा सकते हैं, अपने लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं, एंड ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। और आपके दिमाग में जो रहता है कि मैं वेट लॉस के प्रोसेस में मैं ये नहीं खा सकता, तो वो चीज़ भी निकलेगी, इसलिए मुझे ये वीडियो लेके आना पड़ा। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चाहिए ओट्स का आटा। ओट्स का आटा आप घर पे नॉर्मल नॉन फ्लेवर, जो फ्लेवर्ड वाले नहीं होते हैं, वो ओट्स लेके, ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ तो मैंने वो क्लिप नहीं ऐड की, उन्हें रोस्ट कर लीजिए पहले हल्के से, देन उसके बाद उसको आप पीस लीजिए अपनी मिक्सी में। तो वो आटा आपको लेना है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे दो रोटियों वाले दो ही रेडी करूँगी, वो आपको लेना है बिकॉज एज यू नो कि ये इसको बाइंडिंग करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा, वरना इसकी रोटियां नहीं बनेंगी। तो बहुत ही कम अमाउंट में हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, और इन दोनों को अच्छे से एक डो रेडी कर लेंगे। बिकॉज बेसन हमने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि ये इसको अच्छे से कंपनी दे दे और इसका एक अच्छा सा डो रेडी हो जाए। फ्रेंड्स, रोटियां बन चुकी हैं, अब बारी आती है मेरे लंच की। और लंच में आज मैं ले रही हूँ पालक की ग्रेवी। अगर बोलेंगे तो मैं इसका वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो बहुत यम्मी लगती है। एंड एज़ यू नो, पालक कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, उसकी ग्रेवी मैं लूँगी और साथ ही साथ ओट्स रोटी। तो ये मेरा लंच है, आप लॉट्स ऑफ सैलड इसके साथ ऐड कर सकते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लंच होने वाला है। देखा, रोटी बनाना आसान है, थोड़ा सा ये जो है मे बी आपको प्रैक्टिस ना हो तो ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बने बिकॉज इसमें बाइंडिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बने, तो आप जिस भी आकार में बने आप इसको बनाइए।
और ध्यान रखिएगा कि आप जो इसमें रोटी बेलने के लिए जो बाइंडिंग देते हैं वो ओट्स के ही आटे का हो, बेसन का ना हो, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 3 to 4 रोटी आप आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लंच में। मॉर्निंग में 2 रोटी ले लीजिए, रात में आप 1 से 1.5 रोटी ले सकते हैं। इस तरह से इन रोटियों के साथ आप लौकी की सब्जी ले सकते हैं, आप करेले की सब्जी ले सकते हैं और कद्दू की सब्जी ले सकते हैं, आप शिमला मिर्च की सब्जी ले सकते हैं विद ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल से बनी हुई आप ले सकते हैं। मसालों का भी यूज़ कम करिएगा। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद है वो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए।